नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। बरेली जिले में कोरोना के कारण प्रतिदिन होने वाली मौतों का आंकड़ा काफी तेजी के साथ बढ़ रहा है। शहर के शमशान घाट में स्वर्गवासियों के अंतिम क्रियाक्रम के लिए वेटिंग लगी हुई है। इतना ही नहीं, शमशान घाट में बने चिता के चबूतरों पर लोग अंतिम संस्कार न कर पाने के कारण नीचे जमीन पर ही अपने मृतक रिश्तेदारों का क्रियाक्रम करने के लिए मजबूर है। हमारी टीम ने संजय नगर शमशान घाट में जाकर वहाँ के हालातों का जायजा लिया और वहाँ की व्यवस्थाओं को समझने की कोशिश की। देखिए, बरेली में कोरोना से लगातार हो रही मरीजों की मौत से बरेली दहल उठा है। प्राइवेट अस्पतालों के इलाज में लापरवाही से मरीज के परिजन घबरा कर सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर रहे हैं। मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उचित इलाज नहीं मिल रहा है, अपनों को खोने वाले लगातार मोदी सरकार और योगी सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बरेली के रोहिलखंड मेडिकल कॉलेज में एक दिन में 4 मरीजों की डेड बॉडी बाहर भेजने से परिजन इतना घबरा चुके हैं कि अपनों की सुरक्षा के लिए मदद की गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। अस्पताल का स्टाफ मरीजों के परिजनों को गुमराह कर रहा है, इस तरह के आरोप लगातार परिजन लगा रहे हैं। पीड़ित परिजनों ने सोशल मीडिया में तमाम वीडियो वायरल की है और अपने मरीज के जान की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बरेली से पवन कुमार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। अब खबर उन्नाव से है, जहां कोविड L2 अस्पताल सरस्वती मेडिकल कॉलेज में 12 घंटे में 14 कोरोना संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ दिया। ऑक्सीजन की कमी, इलाज में लापरवाही और शवों को देने में देरी करने का आरोप लगाते हुए परिजनों ने लखनऊ कानपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। पुलिस और प्रशासन के अफसरों के समझाने पर लोग माने। हंगामे के दौरान करीब 1 घंटे तक यातायात प्रभावित रहा। नवाबगंज स्थित कोविड अस्पताल सरस्वती मेडिकल कॉलेज में गुरुवार रात 12 बजे से शुक्रवार सुबह 8 बजे तक यहां भर्ती 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं दोपहर 12 बजे तक अस्पताल में भर्ती 6 और मरीजों की मौत हो गई। इसके बाद ही हंगामा शुरू हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन के अफसरों के समझाने के बाद शवों को प्राइवेट वाहनों से भेजा जा सका। कोविड अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर विवेक गुप्ता ने ऑक्सीजन और इलाज में लापरवाही की बात से इनकार किया है। वहीं इसी अस्पताल के अंदर से एक वीडियो भी तेजी के साथ वायरल हुआ है। मथुरा थाना कोतवाली वृंदावन क्षेत्र के गांव छठी करा में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बेटे ने अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया और घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गया। वहीं इसकी सूचना पाकर इलाका पुलिस भी मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि मौत के कारणों को अभी तक स्पष्ट नहीं किया जा चुका है, लेकिन फिलहाल ग्रामीणों का कहना है कि पिता और बेटे में अक्सर झगड़ा होता था। झगड़ा होने के कारण ही वृद्ध के सर पर चोट लग गई, जिसमें उसकी मौत हो गई है। वहीं पुलिस पूरे मामले को संदिग्ध मानते हुए गहनता से जांच में जुटी है। बाराबंकी पुलिस ने राजधानी लखनऊ की सीमा पर ऑक्सीजन टैंकर को अपने संरक्षण में करीब रात 2 बजे लिया था। लखनऊ पुलिस ने सीमा पर बाराबंकी पुलिस को टैंकर हैंडओवर भी किया। बाराबंकी पुलिस जिले की सीमा पर अयोध्या पुलिस को ये ऑक्सीजन टैंकर सौंपने में कामयाब रही। वहीं टैंकर को पूरी सुरक्षा के साथ जिले की सीमा पार कराई गई। बाराबंकी पुलिस कहीं जाम की स्थिति उत्पन्न न हो, इसको लेकर जिले के हर चौराहे पर ट्रैफिक रोकने के लिए तैनात रही और पुलिस ऑक्सीजन से भरा टैंकर गोरखपुर जाते हुए हर जिले की पुलिस को अपने जिले की जिम्मेदारी होगी, ताकि आसानी से ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुँच सके। बरेली में लगातार कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है, जिससे लोग घबराए हुए हैं, जिसको लेकर कई तीमारदारों ने सोशल मीडिया पर तमाम वीडियो पोस्ट किए हैं। देखिए, पिछले एक सप्ताह में बरेली में मृत्यु दर के ग्राफ में काफी तेजी आई है। शहर के शमशान घाट पर मृतक लोगों के अंतिम संस्कार के लिए घंटों वेटिंग है। बरेली के संजय नगर शमशान घाट पर यूं तो करीब 27 चिता के चबूतरे हैं, लेकिन उसके बावजूद वहां मृतकों को लेकर पहुंचने वाले लोगों को अपने परिजन के अंतिम क्रियाक्रम के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। जो लोग इंतजार नहीं कर सकते, वो अपने प्रियजनों की चिता जमीन पर ही लगाकर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। वहीं एक और जिम्मेदार मानते हैं कि एकदम से चिता चबूतरों की ओर व्यवस्था कर पाना मुश्किल है। शमशान घाट में बतौर केयरटेकर व्यवस्था संभाल रहे हैं ट्रस्ट के लोग। शमशान घाट के व्यवस्थापक ने बताया कि ऐसी भयावह स्थिति उन्होंने शहर के शमशान घाट में न कभी देखी न सुनी। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियों और अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराने वाले कहते हैं कि पहले 24 घंटे में अधिकतम 6 से 10 अंतिम संस्कार प्रतिदिन होते थे, लेकिन अब तो हर दिन यहाँ ये संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। बेबसी में लोग जमीन पर अंतिम संस्कार करने के लिए विवश हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के मामलों में टॉप 10 में बरेली भी शामिल है। वहीं हर दिन कोरोना की वजह से कई मौतें भी हो रही हैं। शुक्रवार को शहर की 3 शमशान भूमि में कुल 108 शवों का दाह संस्कार किया गया, और वहीं सरकारी आंकड़ों में देखा जाए तो ये गिनती कम है, लेकिन असल में शवों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। बरेली से पवन कुमार, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।
देखिए ऐसे ये महामारी हमने ज़िंदगी में पहली बार कहीं भी नहीं देखी। ये तीन चार पाँच दिन से बराबर 30-25-30-40 कोरोना के भी बार आ रहे हैं और ये भी आ रहे हैं। ऐसी बीमारी ज़मीन पे भी हमें डालना पड़ रहा है, चिताएँ कम पड़ गई हैं और ज़मीन पे डालना पड़ रहा है। नहीं हमने भाई कई मुझे कहते थे ना कि तफेदे हैजा होता था गाँव में ना भाई, अब वो बहुत पुरानी बात है, आज़ादी पहले की बात है, अब ऐसा कभी नहीं देखा हमने। फिरोजाबाद में प्रधानी चुनावी रंजिश के चलते एक वृद्ध की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर के गांव बलारपुर का है, जहां पर देर रात दो लोगों ने एक 80 साल के बुजुर्ग को मेहताब सिंह यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल के लिए भेजा है। वहीं पुलिस हर पहलू से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। वहीं परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक का पिछले कई वर्षों से गांव के ही कुछ लोगों से प्रधानी चुनाव के चलते रंजिश चली आ रही थी, जिसके चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल जांच के बाद ही घटना का सही पहलू सामने आएगा। वहीं पुलिस मामले का जल्द खुलासा करने की बात भी कह रही है। फिरोजाबाद से अजय कुमार पांडे, न्यूज वन इंडिया। ये प्रकरण गाँव बलारपुर थाना नसीरपुर जनपद फिरोजाबाद का है। इसमें पुलिस को सूचना मिली कि एक मेहताब सिंह यादव, उम्र करीब 85 वर्ष के आसपास है, दो लोगों के द्वारा उनको गोली मार दी गई है और उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर हमारी थाना नसीरपुर पुलिस बहुत तत्परता के साथ तत्काल रात में ही मौके पर पहुंची, मौके से तमाम साक्ष्य इकट्ठा किए। मृतक मेहताब सिंह यादव की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है। पुलिस बल यहां मौके पर है, जांच पड़ताल की जा रही है। कुछ जो नाम आए हैं उनके हिरासत में लेने के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। जो तहरीर मिलेगी उसके अनुसार और जो पुलिस की छानबीन में चीज़ें आएंगी उन सभी तथ्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी निर्दोष का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।